नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स पर चलाए चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत, सबका शुक्रिया। आज मैं बहुत ही अच्छे एक प्राणायाम के एक विभाग की बात करने वाली हूँ, जिसे कपालभाति कहते हैं। मुझे मालूम है बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिन्होंने ये करना छोड़ दिया है वो रिफ़्रेश हो जाएंगे और सोचेंगे कि मैं फिर से स्टार्ट करूं। और जो नए आए हैं उनको अगर इसके फ़ायदे में बताऊं तो वो इमिजिएटली करना चालू करेंगे, मेरी गारंटी है इसके बारे में। कपालभाति के बहुत ही सहज करने वाला एक प्राणायाम का एक प्रकार है, लेकिन वो सही तरीके से करना है, वो कैसे सही तरीके से करना है, वो कितने बार करना है, कब करना है, उसके होने वाले अनगिनत फायदे, उस सब की आज हम बात करेंगे। तो कपालभाति से पता चला, कपालभाति मतलब वो कोई ऐसा प्राणायाम का एक भाग है जो हमें शरीर को, मस्तिष्क को, हेयर को और सबको तंदुरुस्त बनाता है। कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कपालभाति करता है वो है अपने शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकाल देता है। टॉक्सिन कहाँ से आते हैं? पानी से आते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे आते हैं, हम लोग जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसमें भी तो टॉक्सिन होते हैं। तो ये सब बाहर निकालने का काम कपालभाति करता है। कपालभाति अपने जो फेफड़े हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु भर देता है, जिसके वजह से बाकी के सब जो टॉक्सिन है वो बाहर निकालने में कपालभाति बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अभी कपालभाति कब करना चाहिए? कपालभाति ज़्यादातर मैं तो बोलती हूँ आप कर लो ना सुबह 5 मिनट। क्या होता है अपने लिए निकालने, मैं हर वीडियो में वही बताती हूँ, वही आपको बता रही हूँ। 5 मिनट अगर सुबह आपको टाइम नहीं मिलता तो 5 मिनट जल्दी उठ सकते हैं आप, खाली पेट करेंगे तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। सोने रात को सोने से पहले मत करिएगा, उसे तकलीफ़ होने की संभावना है। ये कौन नहीं करे? एक तो गर्भवती कोई भी महिलाएं ना करें, या तो किसी की कोई भी शस्त्र किया, ऑपरेशन हुआ वो भी ना करें, जिसके पीरियड्स चालू हो वो महिलाएं भी ना करें, और सबसे बड़ा कि जिसको जिस पोजीशन में बैठ के करना अच्छा लगता है वही पोजीशन करें। अभी इसका फ़ायदा बालों के लिए बहुत ज़्यादा है, जिनके बाल पतले हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बालों में चमक नहीं है। और आजकल तो ये पूरी दुनिया में बालों की समस्या है, तो आपके अगर बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर आपको कोई और भी चीज़ करनी चाहिए, लेकिन उसको अगर कपालभाति से जोड़े तो आप फ़र्क देख सकते हैं, वो 101% होगा। आपको ब्लड प्रेशर है उसके लिए तो भी कपालभाति बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छा किसको है पता है आपको? सबसे अच्छा है बच्चों के लिए। आजकल सब पढ़ाई का इतना प्रेशर बच्चों को होता है कि उनकी याददाश्त याद नहीं रहती, पढ़ाई याद नहीं रहती, बहुत माएँ कंप्लेंट करती है। तो आप अपने बच्चों को, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, चालू कर दो आप, देख लो कि आपके बच्चों में ज़रूर फ़र्क होगा। और याददाश्त अच्छी रहती है तो आपको जो सब बच्चों के सब जो स्टडीज़ है वो याद रखने में बहुत लोगों को मुश्किल होती है, बच्चों को तो ये माएँ कंप्लेंट करती है, फिर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके याद रहने की दवाइयाँ लेती है। इससे अच्छा है आप ये अभी से चालू करो, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। वैसे तो आँखों के लिए कपालभाति अच्छा है, किसके लिए नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए भी है, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले या बिगिनर्स है वो कैसे करें वो भी मैं बताऊंगी। तो आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। एक आप सोच लो ना कि ये अगर वो बोल रही है अर्चना, तो आज से मैं 20 दिन क्या 1 महीना ये करूँगी, कितना करना है 1 मिनट में 20 टाइम करो आप, वैसे 5 मिनट में करो। अगर आपको वो 20 टाइम करना भी 20 बार करना भी अगर आपको
ज़्यादा पड़ता है तो 15 बार करो, लेकिन कर लीजिएगा धीरे धीरे, एक्चुअली बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं किसी भी बात के लिए प्रेशर नहीं करती, आप इतना बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट जो हो सके वो करो, क्योंकि वो कितना ज़्यादा करते हैं नहीं, वो कितना अच्छा करते हैं, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी मेरे हिसाब से। तो आप ऐसा कर दीजिए, अभी कैसे बैठना है कोई भी, मतलब एटलीस्ट आपके पोजीशन में बैठना है, ये पीठ है वो स्ट्रेट रखिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कपाल, कोई भी प्राण योगा या प्राणायाम की टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन आपको जो भी करना है वो करना है। तो एटलीस्ट ये कंधे आपके स्ट्रेट होने चाहिए, ये हाथ आपके घुटनों में रखिए, और ये जो चिन्ह है ये ऐसी सीधी रखिए, और आंखें बंद होनी चाहिए, सुबह के टाइम होना चाहिए, पेट खाली हो तो ही अच्छा है। 5 मिनट अपने लिए निकालना है, अगर आपको समय नहीं मिलता तो आपको 5 मिनट जल्दी उठना है, अपने खुद के लिए। अपने घर का स्वास्थ्य तभी स्वस्थ रहता है जब घर का हर कोई स्वस्थ हो। अपने बच्चों के लिए, बच्चों को भी अगर ये सिखाना है तो आपको वही आदत डालनी है जो आप खुद करते हो, है कि नहीं। तो आप इस तरह से एकदम आराम से बैठेंगे, आपको सांस अंदर लेने के लिए कोई नियम नहीं है, आराम से ले लीजिएगा। बाहर निकालने के लिए किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ, आंखें बंद होनी चाहिए, हवा वो जो जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ हवा अच्छी होनी चाहिए, प्रकाश अच्छा होना चाहिए, और मन प्रसन्न होना चाहिए, और मन में कोई भी मतलब गुस्सा वाले वाली या दुख भरी चीज़ें मन में उस टाइम 5 मिनट के लिए नहीं आनी है। तो आराम से आँख बंद करके आपको सांस अंदर लेना है, एक मिनट में आपको 20 बार करने की कोशिश करनी है। अगर आपको 15 बार होता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे 20 बार करने की। अगर 5 मिनट आपसे नहीं होता है तो पहले आप 3 मिनट से चालू करो, 4 बाद में 4 बाद में 5, कोई बात नहीं। हमें अच्छा होना है, हमें जल्दी जल्दी करना ये हमारा मकसद है ही नहीं। आँख बंद करके सांस पूरा अंदर लेके आपका पेट, जब आप सांस बाहर निकालते हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। कभी कभी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, उल्टा सुलटा कुछ करते हैं, वैसे मत कीजिए, ऑटोमेटिक हो जाता है वो। अगर आप इस तरह से आपको कहना है, ये कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम का एक भाग है, और वो आजकल तो योगा तो हर पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर दिया है, हर कोई मन शांति चाहता है, हर कोई अपने स्वास्थ्य चाहता है। तो ये कपालभाति तो और भी अनगिनत फायदे है, आप अगर करने लगोगे तो आपको ही लगेगा। और कोई भी मतलब और भी इसमें है कि आपको जो किडनी स्टोन, कोई भी स्टोन हो शरीर में, आजकल पेंक्रियाज में आता हो या किडनी में आता हो, तो ये अगर आप रेगुलर करें तो उसमें भी राहत मिलती है। तो इतना अच्छा ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो संभल के करना है। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों के लिए है, आँख के लिए है, याददाश्त के लिए है, और क्या चाहिए फ़ायदे, इतने तो पहले फ़ायदे उठाओ। तो ये ज़रूर करिएगा, मैंने बोला है 1 मिनट में 20 बार करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। 4-5 मिनट आप करेंगे तो बेहतरीन है, लेकिन रोज के रोज कीजिए, बच्चों के लिए तो ये वरदान है, आप समझिए, आप करके देखिए। क्योंकि हम बालों के लिए बड़े बड़े दवाइयाँ लेते हैं, बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स लेते हैं हम लोग, बच्चों की याददाश्त कम है, उसको कुछ याद नहीं रहता, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और बड़ी बड़ी दवाइयाँ और क्या क्या करते हैं। तो वो आप अगर आपको उस पर वो कर दीजिएगा उसके साथ ये कर देना, आपको मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको फर्क नजर आएगा। तो आप सबसे ये गुजारिश है,
शायद इस कपालभाति या अपने हाथ में दिया हुआ एक बोलते हैं जादुई चिरा है, जिसका हम लोग ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने लिए है, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे क्वारंटाइन, अभी भी वही चल रहा है इसलिए वही बोल रही हूँ। एंड सेफ रहने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए और आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको यही सब करना ही चाहिए, ताकि आप घर बैठे अपने आप को स्वस्थ रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।